और संत कबीर नगर में अरविंद केजरीवाल की रिहाई से आप कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। आम आदमी पार्टी के आए कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है और कार्यकर्ताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर सच्चाई की जीत की बात कही और इस दौरान बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। खुशी का दिन हम लोग मनाने जा रहे हैं, यह कल का बहुत विशेष दिन रहा है जो डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए संविधान को लेकर के, अगर वो संविधान था कि आज हमारी हम लोग आज खुशी मनाने का मौका मिला है, नहीं तो जिस तरीके से अब शासन जो भ्रष्टाचार करने वाली सरकार और तानाशाह सरकार जो है सबको जिसको चाह रहे उसको जेल में डाल नहीं रही है, लेकिन यह संविधान की देन है जो आज हमारे नेता 5 महीनों के बाद कल रिहा होकर के हमारे बीच में हुए हैं, जिसको लेकर के हम अपने सभी साथियों के साथ, हमारे प्रभारी जी हैं, हमारे और जिले के साथी हैं और विधानसभाओं के साथी हैं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज संविधान की जीत हुई है, आज सत्य की जीत हुई है। आप संविधान के दायरे में हैं, संविधान से आप बड़े नहीं हो सकते हैं। तानाशाही तो हिटलर की खत्म हो गई तो आप क्या चीज है। तो तानाशाही रवैया जो भी अपनाएगा वो संविधान के दायरे में रहकर अपने आप को नेस्तनाबूद पाएगा। आज हम सब ये जीत का आगाज जो मना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 2027 की वो बानगी है जो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल जी अभी हरियाणा में आपसे चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा में आप देखेंगे 90 की 90 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के